के हमारे महीपाल माजरा जी 2007 में जब इलेक्शन जीता तब इस विधानसभा के जो सियासी ताकत रखते थे परिवार, उन लोगों को पिछाड़ने का काम हमारे महीपाल माजरा जी ने और इसके साथ आप जनता ने किया था और उसका रिजल्ट ये निकला कि जो भी आपको बताया माजरा जी ने कि कितना विकास आपके इलाकों में हो पाया। इससे पहले न उसके बाद कोई विकास इस गंगो विधानसभा में आज तक नहीं हो पाया। अब फिर से इतिहास दोहराने जा रहा है। हालात ये बता रहे हैं कि जो पिछले सियासी खानदान थे जिनकी जड़ें बहुत गहरी थी, आज वो जड़ें हिलने जा रही हैं और 21 तारीख में वही तारीख दोहराई जाएगी जो 2007 में दोहराई गई थी। लेकिन उसमें आप लोगों ने भरपूर साथ दिया था बहुजन समाज पार्टी का। हम ये चाहते हैं कि इस मर्तबा भी आप भरपूर साथ दें बहुजन समाज पार्टी का। एक हमारी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसने इस विधानसभा का और इस विधानसभा के अलावा हमारे जिला सहारनपुर का भी विकास करने का काम किया। आप जानते हैं कि सहारनपुर के अंदर जो पिलखनी का मेडिकल कॉलेज है वो बहुजन समाज की देन है। सहारनपुर की नगर निगम हमारी बहुजन समाज की देन है और हमारे जिले को कमिश्नरी का देने का दर्जे का जो दिया है उसकी जिम्मेदार भी बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा जो बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया वो भी बहुजन समाज पार्टी ने किया। जो स्पोर्ट्स कॉलेज दिए गए यहाँ हमारे शहर जिले में वो भी बहुजन समाज पार्टी ने दिए। ये सारे कारनामे हमारी बहुजन समाज पार्टी ने किए हैं। लेकिन आप इससे हटकर पूछ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले के लिए, इस विधानसभा के लिए क्या किया। इसी तरीके से आप कांग्रेस से पूछ सकते हैं, समाजवादी वालों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने इस जिले के लिए और इस विधानसभा के लिए कौन सा विकास कार्य किया। ये आप जानते हैं कि किसी पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो विकास कार्य किया गया वो बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया। आप उम्मीद रखें, आप बहुजन समाज पार्टी को जैसे ही जिताएंगे वो फिर दिन वापस आएंगे जब आपकी विधानसभा में आपके जिले में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। एक और मैं आपसे बताना चाहूंगा, क्योंकि ये वो इलाका है गुर्जर समाज का जिसमें एक जबरदस्त बढ़त बना हुआ है इस इलाके में और ये सियासी तौर पर हमारा गुर्जर समाज बहुत ही बाशऊर है। ये जानता है, समझता है कि हमारी हमारे समाज को किस पार्टी ने पूरा शेयर दिया, सत्ता देने का काम किया। ये आपको इस बारे में हमारे महीपाल माजरा जी बता चुके हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने आपके समाज को जिला परिषद देने का काम किया। दो मर्तबा बहुजन समाज पार्टी आपके समाज को जिला परिषद दे चुकी। इसके अलावा हमारे इरशाद साहब को भी, जो आपके समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी एक मर्तबा जिला परिषद देने का काम किया। इसी तरीके से बहुत से जिला परिषद हैं, आपके विधानसभा के मेंबर हैं, ये सारे काम हमारी बहुजन समाज पार्टी ने आपके समाज को देने का काम किया। इस जिले के अलावा भी आपके समाज को बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम किया, जैसे कि आपको हमारे महीपाल माजरा जी ने बताया। तो इसलिए हम आपसे दरखास्त करते हैं कि जो